भारत माता की, भारत माता की। जगद्गुरु बसवेश्वरा अवरानाडु शिव शरण राविडु कलबुर्गिया जनते के नमस्कार गळु। कलबुर्गी का ये जन सैलाब और आप सबके चेहरों का ये उत्साह कर्नाटका ने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है। अभी मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, इतनी धूप में रोड शो का जो वातावरण बन गया, इतनी बड़ी मात्रा में लोग उत्साह उमंग के साथ आशीर्वाद दे रहे थे। अभी तो चुनाव की घोषणा होना बाकी है और आपने घोषणा कर दी। आज पूरा कर्नाटका कह रहा है अब की बार। साथियों, बीते दो दिनों से मैं भारत के इस दक्षिणी भाग में ही हूं और इसके पहले मैं श्रीनगर में था। श्रीनगर के पत्रकारों ने जो ब्लॉग लिखा है उसमें लिखा है कि 1988 के बाद श्रीनगर में इतनी बड़ी रैली किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हुई। जो दृश्य मैंने श्रीनगर में देखा, जो जज्बा देखा, भारत के प्रति, भाजपा के प्रति जो उमंग और उत्साह देखा, साथियों, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, देश अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए तैयार हो चुका है। और उसके बाद पिछले दो दिन से दक्षिण भारत में मैंने चार अलग अलग राज्यों का दौरा किया। तमिलनाडु में कन्याकुमारी हो या केरला में पथनमथिट्टा हो, हर तरफ लोग बीजेपी को बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। तेलंगाना के नागर कुरनूल की रैली में मैंने लोगों को अपने बच्चों के लिए विकसित भारत का निर्माण करने का संकल्प लेते हुए देखा है। हैदराबाद के रोड शो में हर उम्र के लोगों ने विकास और तरक्की के हमारे संकल्प को अपना समर्थन दिया। पूरे दक्षिण भारत में हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों ने बीजेपी को अपना अपार समर्थन दिया है।
दक्षिण में बीजेपी को मिल रहे इस भारी समर्थन का ही नतीजा है कि इंडी अलायंस और कांग्रेस के लोग भी कहने लगे हैं, और आपके यहां के एक नेता ने तो पार्लियामेंट में कह दिया, हमारे विरोधी कह रहे हैं अब की बार साथियों, कर्नाटका में आप लोगों का कांग्रेस के लिए जो आक्रोश है वो मैं भली भांति समझ सकता हूं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, कांग्रेस की करतूतें नहीं बदलती। और इसलिए कर्नाटका में जनता जाग चुकी है, आक्रोश और गुस्से से लाल है। किसी सरकार से इतने कम समय में ही जनता का मोहभंग हो जाना ये दिखाता है कि लोगों को कांग्रेस की सच्चाई क्या है इसका पता चल गया है। और कभी कभी लोग भी सोचते हैं कि चलो भाई एक बार सजा दी अब वो सुधर जाएंगे, दोबारा कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन लोग फिर निराश हो, सुधरने को तैयार ही नहीं है। भाई आप कितने मौके दीजिए वो नहीं सुधरेंगे। आज कर्नाटका में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है, असामाजिक तत्वों को खुलेआम संरक्षण दे रही है। जनता के मन में खौफ पैदा किया जा रहा है, जनता परेशानियों से त्रस्त है और कांग्रेस लूट में व्यस्त है। जी कन्नड न्यूज निम्म मनेयल्ले नोडी एल्ला केबल गळल्ली ईग लभ्य सन डायरेक्ट 292 जियो टीवी 1334 यु डिजिटल 162 ಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ 51 ಜಿಟಿಪಿಎಲ್ 17 ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ 821 ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ 51 ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಂಬರ್ 60 ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 53 ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 896 ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ।